कि फाइंडिंग दी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड अ वर्क फंक्शन, इसके अंदर आपने पेपर में ये लिखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एप्लीकेशन भी आती है इसके ऊपर जो नेक्स्ट टाइम करनी है, अभी तो थ्योरी में करेंगे। तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई को इन दोनों के नीचे ले जाते हैं तो किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब वी नॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू वाई एक्सिस और फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस। तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको एम लिख लिया, और ये स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, और ये इंटरसेप्ट है। तो ये मैथ्स की इक्वेशन बन जाती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस में वी नॉट है, एक्स एक्सिस में न्यू है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, एच बाई ई। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से स्लोप पूछूं, अगर मैं ग्राफ किस में प्लॉट करूं, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, तो ये स्लोप हो जाती है एच बाई ई, और ये इंटरसेप्ट हो जाता है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, स्लोप क्या है एच बाई ई, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसके नीचे तो एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा, और ये डॉटेड डॉटेड लाइन है जो यहाँ कट करती है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई सी, तो वाई एक्सिस में नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। तो ये इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है, फिर आपने एंड में लिखना है कि जो स्लोप है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की, वो स्लोप की वैल्यू क्या है, एच बाई ई। तो एच क्या होगा, ई टाइम्स स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो यानी कि आपको अगर वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन हो स्ट्रेट लाइन, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हो, तो आप लाइन की स्लोप निकाल दें, उसको ई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट है। और अगर आपको वर्क फंक्शन आ जाए, तो ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो आप लिखेंगे जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू नॉट बाई ई। डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन क्या होगा, ई इंटू इंटरसेप्ट। मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन ही लेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस साइन हटा देना है। तो वर्क फंक्शन क्या आएगा, ई टाइम्स इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपने लिख के आना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलता है और वर्क फंक्शन कैसे निकलता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, पर ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं और दिमाग में रखने हैं, ठीक है।